हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो भाई लोग अंदर बाहर में कट पत्ता का जुआ खेलते हैं, कट पत्ता में बार बार लॉस हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही बताऊँगा भाई लोग। आप प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आई होप कि आपको तभी समझ में आएगा। वीडियो को आप जरा भी स्किप कर देंगे या छोड़ के जाएंगे या मिस कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसा ज़बरदस्त धांसू ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जो भाई लोग अंदर बाहर जुआ में कट पत्ता में हार जा रहे हैं बार बार, उन लोग के लिए आज कट पत्ता का बहुत ही ज़बरदस्त और धांसू ट्रिक। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा गैस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हर लोग गैस ध्यान से देखिए, यहाँ पे ताश की गड्डी है। ठीक है, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर गड्डी है, प्लास्टिक कार्ड है। ठीक है, नॉर्मल ही कार्ड है दोस्तों, देख सकते हैं। जब हम जुआ खेलने जाते हैं अंदर बाहर कट पत्ता में, इसके पहले मैं अपने चैनल बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर जो आपको मेरा एक वीडियो नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, अंदर बाहर कट पत्ता, मांग पत्ता, तीन पत्ती, रमी, सब कुछ है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये ताश की गड्डी है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से हम सफल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और कट पत्ता में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पहले ताश को हम सफल कर लेंगे, फर्री मार लेंगे, जो भी करना है कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज़ करने के बाद हम ऐसे रख देते हैं सामने वाले भाई के पास। ठीक है, तो भाई बीच में से कहीं से भी जो भी उनको मन में आए उतना कट कर लेते हैं ऐसे। जैसे देख, ध्यान से देखिए, इक्का कट हो गया। ठीक है, अब इक्का की पत्ती ऊपर आई, यानी इक्का की पत्ती आपको निकालना। अगर जो इक्का की पत्ती अंदर आती है तो मैं जीत जाऊंगा, इक्का की पत्ती बाहर जाती है तो सामने वाले भाई जीत जाएंगे। तो दोस्तों मैं 100 में 100% कहता हूँ, इक्का की पत्ती अंदर ही आएगी, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इक्का की पत्ती अंदर आ चुकी है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इक्का की पत्ती अंदर आ चुकी है, मैंने कोई चीटिंग या कोई शेटिंग नहीं किया है। ठीक है, अभी आपको बस मैंने एग्जाम्पल करके दिखा रहा है, डेमो दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह एक बार और आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊँगा कि कैसे अंदर बाहर में कट पत्ता की सेटिंग करते हैं, कैसे कट पत्ता मिक्स करते हैं और कैसे कट पत्ता में आप जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और डेमो देख लीजिए, फिर फाइनली मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी बार मैं आपको एग्जाम्पल और डेमो करके दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, इस तरह अच्छे से कार्ड को सफल कर लीजिए। सफल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम सामने रख देते हैं, अब सामने वाला भाई यहाँ से कट कर लेता है। ठीक है, ऐसे कट करके जो भी है उसके ऐसे रख देता है। यहाँ पे देख लीजिए, बादशाह की पत्ती ऊपर आई है। अगर जो दोस्तों बादशाह की पत्ती अंदर आती है तो मैं जीत जाऊंगा, बाहर जाती है तो सामने वाले भाई जीत जाएंगे। ये पत्ती जिधर भी जाए, इसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किधर आ रही है, अंदर आएगी तो मैं ही जीतूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बाहर चली गई। ठीक है, तो बाहर चली गई तो मैं हार गया, ठीक ना दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि कैसे जो पत्ती बाहर जा रही है उस पत्ती को आपको अंदर कैसे गिराना है, आज के वीडियो में वही सिखाऊंगा, वही बताऊंगा। ठीक ना, तो वीडियो पूरे एंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिए, पूरे गड्डी को ले लेते हैं, एक पत्ती को यहाँ छोड़ देते हैं और ये बादशाह की पत्ती को यहाँ छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक ना, अब देखिए करना क्या है, मान लीजिए ये ताश की गड्डी है, इसको अच्छे सफल कर लीजिए। सफल करने के बाद मान लीजिए सामने वाले भाई कटिंग कर रहे हैं, कट पत्ता का जब ऐसे कट कर रहे हैं तो बादशाह की पत्ती आ जा रही है। ठीक ना, एग्जाम्पल में ध्यान से समझा रहा हूँ, समझिएगा, बादशाह की पत्ती आ रही है, तो इस बादशाह की पत्ती को आप यहीं रख दीजिए। ठीक, और क्या आपको कैसे सेटिंग करना है, कोई भी एक बादशाह की पत्ती ले लीजिए और ताश की गड्डी में कैसे आप सेट करेंगे आपको मैं वही बताऊंगा। मान लीजिए यही बादशाह की पत्ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बादशाह की पत्ती को आपको ऊपर रख देना। ऊपर रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 पत्ती आपको बराबर ही रहना चाहिए, 10 पत्ती से कम ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 पत्ती हो चुकी है, तो कोई वो नहीं है। ये 10 पत्ती आपको ऐसे रखना है, फिर इसको ऊपर रख देना है। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये जो 10 पत्ती है इसको आपको ऐसे ही रखना है नीचे, उसके बाद आप ऊपर से भी ऐसे, तो 4 पत्ते उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट करके, ठीक है दोस्तों। और ये जो 10 पत्ती है इसको आप उठा के इस पे रख दीजिए, मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स हो गया ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, फिर आप ऐसे करिए, ठीक है। अब देखिएगा ये ताश की गड्डी आपकी मिक्स हो चुकी है। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, और जो भी ट्रिक आपने किया होगा, जो भी पत्ता सेट किया होगा, वो पत्ता अंदर ही आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बादशाह की पत्ती थी जो भी ईंट की थी, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बादशाह की पत्ती अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक जो भी ट्रिक दिए हैं, जो भी डेमो आपको सिखाया है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।